बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े सामीन, इस वक्त हम जड़ा वाला से सैयद वाला ज़िला ननकाना के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ पहुँचकर हम हज़रत बाबा अलिफ शाह बुखारी के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और रास्ते के हसी मनाज़र, लोकल देहाती कल्चर भी आपको दिखाते चलेंगे। जड़ावाला से निकलते ही जो पहला स्टॉप हमारा आता है अड्डा हमांद का, जो अभी हम क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्ज़ा साहबा इंटरचेंज, मिर्ज़ा इंटरचेंज जो लाहौर कराची मोटरवे की जड़ावाला शहर को लिंक करने वाली मोटरवे इंटरचेंज है। उस वक्त हम वहां पहुंच चुके हैं और यहां से तकरीबन 12 किलोमीटर की मुसाफत पर सैयद वाला जो शहर है मौजूद है। ये ज़िला ननकाना की हदूद में वाक़ है और टोटल सफ़र जो है जड़ावाला से सैयद वाला का वो तकरीबन 25 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल है। इस वक्त हम इंटरचेंज के हदूद से निकलकर तकरीबन हम सैयद वाला की हदूद में दाखिल होने वाले हैं और इस एरिया में टोटल जो इलाका है वो दही इलाका है, देहाती इलाका है और लोग जो हैं कारोबार के लिए या सौदा सर्फ लेने के लिए या तो जड़ावाला का रुख करते हैं या फिर सैयद वाला शहर की तरफ रुख करते हैं। इस इलाके में मज़ीद और कोई ऐसी बड़ी आबादी या शहर नहीं है जहां से लोग जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है वो ख़रीद सकें। इस वक्त हम तकरीबन दरबार के करीब पहुंच चुके हैं और सैयद वाला शहर जो है वो क्रॉस करके हम जो है आगे जो इस सड़क पर आ गए हैं। ये सड़क बेसिकली उकाड़ा को जो है वो ननकाना साहब से लिंक करती है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना को और जड़ावाला को। और यहाँ पे ये जो सामने हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं साइड पर, ये बेसिकली कब्रिस्तान है जहाँ पर जो है ये मज़ार बाबा अलिफ शाह बुखारी जो है ये मौजूद है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जनाब दरबार पर और हमारे साथ मौजूद हैं अनवार वसीर साहब और ख़ादिम साहब जो कि हमारे साथ जो स्पेशल यहाँ दरबार पर आए हैं हमें विज़िट करवाने के लिए। और अभी हम आपको दरबार के अंदर का अहाता जो है वो दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये दरबार 1960 के लगभग तामीर किया गया और इस दरबार पर सालाना उर्स भी मुनक्कद होता है और यहाँ पर एक बाबा जी जो दरबार के मजावर हैं उनसे हमने इस हवाले से बातचीत भी की और उनका कहना याद ये था कि ये दरबार 1960 के दहाई में हमने तामीर करवाया, मैंने खुद अपनी निगरानी में, और मैं बचपन से यहीं पर मौजूद हूँ। और जब ये दरबार मैंने तामीर करवाया उससे कबल यहाँ पर एक चबूतरे पर एक ये कब्र मौजूद थी जिसके ऊपर बाबा जी का नाम वगैरह तहरीर था, अलिफ शाह बुखारी। और मज़ीद ज़्यादा गहरी इन्फॉर्मेशन या तस्दीकी मालूमात हमें वहाँ से मुयस्सर नहीं आई, जो कुछ हमें मालूम हो सका वो हमने आपके गोशगवार कर दिए। दरबार के चारों अतराफ में एक गैरली नुमा जो बनी हुई है बरामदा बना हुआ है और दरमियान में ये जो मज़ार मुबारक है उसका कमरा है जिसके अंदर कब्र है। और इसके अलावा इसके बैरूनी अहाते के चारों तरफ कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान देखने से लगता है कि ये कब्रिस्तान बहुत कदीम है
और इनकी जो तारीख़ वसाल यहाँ पर कतबे पे दर्ज है वो 1363 हिजरी जो है वो लिखी गई है। तकरीबन इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा जो है इनके वसाल को हो चुका है। दरबार का जो गुंबद है उसके अंदर अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम हैं वो तहरीर किए गए हैं और चारों अतराफ में जो टाइल से काम किया गया है, टाइल लगाई गई है मज़ार के अंदर, और इसके अलावा जो कतबा है वो इंतहाई खूबसूरत जो कतबा यहाँ पे तहरीर हुआ हुआ। दरबार में फातिहा पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर मौजूद बाबा जी जो मजावर हैं दरबार के उनसे भी कुछ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने अपने जो तासुरात हैं इस दरबार के हवाले से और यहाँ के हालात वाक़ात के हवाले से वो उन्होंने दिए, और अभी हम आपको उनके जो तासुरात हैं वो भी सुनवाते हैं। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये दरबार के साथ मुनक्का कब्रिस्तान है। यहाँ पर ये जो दरख्त हैं इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरख्त कम अज़ कम सदियों पुराने हैं, जिससे हम इस मज़ार और इसके गिरदोनवा मौजूद कब्रिस्तान का जो है इसकी कदामत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। बुजुर्गों की करमात है कि दुनिया आँदी जाती है, कोई अपना सराय टांग गया, कोई सरा टांग गया, टोपी टांग गया, अपना बुजुर्गों का दुआ दो मंगते सा पुत्र पन्ने जाए या सा बच्चा अल्लाह रब देवे था चढ़ दे था। सही। तो यह दरिया आया तो दरिया ने अल्लाह तला का बेब देना बुजुर्ग दुआ आप ही छाड़ गया। अच्छा, इस अलावा होर कोई इतने तुम वेखे हो अजीब वाकया कोई होया हो किसी सुनया वेख्या हो जरा आम रूटीन बंद नहीं नज़र आता जो सुन सुन मिलता झाली आँदी आए फायल आँदे आ। अच्छा, फांसी देंदे वो फायल देंदे इतने अंग्रेजों वक्त की गल है। अच्छा, एक ही आँदे इतना। अच्छा, यह गल अस हाड़ पाई सारे इतने आँदे। सही। घर बार सारे माल मनी सारा भांडा नींदर बार बच्चे इतने आँदे इतनी सारी रहायश इतने रहा। ये तकरीबन बुजुर्गों का वसाल मेरे ख्याल 150 साल के नेड़े तेड़े 300 साल हो गए 300 साल हो गया। हाँ, 100 साल का बंदा वो भी कटरा तो अपना मास्टर है ना अपना मास्टर अपना शेर मुंडे उन तक पे हुआ कमी टकरा उसकी चलते हैं वो सब घाटा मूर्छ लगा तो इस जोड़ चौक के चलने लगा मूर्छ लगा दीने लगा दीना लगा मूर्छ लगा मेहरबानी बाबा अल्लाह। आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया।